अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट की एक और एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मदिया। और आप बताएं, ड्रामास देखे आपने? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, और बिल्कुल मैंने ड्रामास देखे हैं। अब ये है कि टोटल दो ड्रामास हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, एक है मुश्क और एक है प्रेम गली, और दोनों की 13th एपिसोड्स हो गए हैं। सो आई थिंक दोनों ड्रामास ने काफी प्रोग्रेस हुई है। आई थॉरली एंजॉयड बोथ दी एपिसोड्स। आपको कैसी लगी दोनों एपिसोड्स हिरा? जी दोनों एपिसोड्स बहुत मजेदार थी, बहुत मजा आया देख के, बहुत एंजॉय किया हमने। स्टार्ट विद मुश्क देन? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करें। सो मुश्क में आई थिंक थोड़ा फ्रेश रिफ्रेशिंग ये एपिसोड थी, क्योंकि इसमें महक बाजी और शाहान के सीन्स कम थे, तो इसलिए स्टोरी आगे काफी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि एकदम बहुत तेजी से सब कुछ हो रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था, मजा आ रहा था बहुत। मतलब एक होता है ना कि थोड़ा स्लो पेस नहीं थी, इट वाज अ फास्ट पेस एपिसोड जिसमें काफी कुछ हुआ और रोना धोना कम था। मतलब रोना धोना तो था, लेकिन जिस तरह का वो खाओ खा कर रोना धोना नहीं था, और काफी प्रोग्रेस हो गई है स्टोरी में। जिस तरह हमने लास्ट वीकेंड पे जो रिव्यू किया था और उसमें हमने एक प्रेडिक्शन दी थी, तो हम सही साबित हुए कि वो जो उसकी खाला है, जो लड़के की जो खाला है, लड़की का क्या नाम है, रोशनी, रोशनी जिसके साथ भागी थी, उनकी जो खाला है वो असल में गंदी औरत निकली, और जो लड़के ने एक्चुअली उनको बेच दिया उनके आगे अराउंड 20 लाख में। लेकिन जो सबसे, ये चीज तो शायद हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है, जो मैं और हिरा बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे या कोई भी नहीं कर रहा होगा, वो ये थी कि हमें पता चला कि असल में उस लड़के की क्या जिंदगी में क्या ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से वो इतना एवल हो गया, उसकी बैक एंड स्टोरी हमें पता चली। और इंटरेस्टिंगली इस पूरी स्टोरी से बैक पे आके बात रोशनी के बाप तक जाती है कि उनकी बैक एंड पे उनके जो पुराने जमाने में जो उनकी फजूल हरकतें थी जिनकी वजह से आज वो सजा भुगत भी रहे हैं, तो असल में इसका भी नाता सारा उससे जाता था। इट इज ऑल लिंक्ड। तो एक्चुअली जैसे हिरा हम पहले बात भी कर रहे थे कि इट्स अ वेरी वेरी डार्क सब्जेक्ट जो उन्होंने काफी टच किए हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इस ड्रामे में इतने डार्क सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट किया ऑन स्क्रीन, तो वो बहुत अच्छा लाइट तरीके से है कि ऑनेस्टली इतना डार्क सब्जेक्ट होता है तो बंदे को डिप्रेशन और बंदे को गुस्सा भी आता है ऐसे ड्रामे में। बट इंटरेस्टिंगली इमरान अशरफ ने जिस तरह इसको लिखा है और जिस तरह इसको डायरेक्ट किया गया है एहसन तालिश की तरफ से, तो बहुत फैंटास्टिक है और यू रियली एंजॉय। इवन इट्स अ सब्जेक्ट इज वेरी डार्क, लेकिन जिस तरह स्टोरी में राजो न्याज है और मिस्टीरियस है, तो आपको मिस्ट्रीज जिस तरह जो खुल रही है उतना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ना। बहुत बहुत मजे का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद बहुत दफ़ा ड्रामास में डिस्कस भी हो चुके हैं बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन हमें शायद वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे जितने इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने क्योंकि इसको दिखाया है। जितना मज़े का, एक तो स्टोरी लिखी बहुत प्यारी गई हुई है, डायलॉग्स अगेन बहुत मज़े के, और डायरेक्ट भी फॉर श्योर, जो कि मैंने ये बात सुनी है कि ये स्टोरी जो थी वो साथ साथ लिखी भी जा रही थी और साथ साथ डायरेक्ट भी हो रही थी। तो मैंने ये बल्कि इंटरव्यू में जी कि जो इमरान अशरफ और जो हमारे डायरेक्टर हैं एहसन तालिश, तो आपस में डिस्कशन करते थे फिर आगे करते थे, जो कि मुझे लगता है वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है फॉर श्योर ड्रामा में। मैं ये कहती हूं दैट्स व्हाई द स्टोरी इज मेकिंग सो मच सेंस, बिकॉज़ उन्होंने जो छोटे-छोटे कनेक्शंस डेवलप किए हैं, आई थिंक दोस आर द माइलस्टोन्स, बिकॉज़ अगर जिस तरह अभी उन्होंने कनेक्शन डेवलप किया अबाउट जो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आ गई, ये कितना प्यारा तरीके से उन्होंने दिखाया। अब समहाउ ऑल्दो वो कैरेक्टर इतना इविल है, लेकिन आपको की पेन का भी एहसास हो रहा है कि आज वो जो है तो ऑब्वियसली कोई रीजन है जिसकी वजह से। इतनी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप देखेंगे जो ताया जी हैं, जो उसके रोशनी के वालिद साहब हैं, देखिए अगर आप देखा जाए तो वो बेचारे बेड रिटन हैं, उनको जहर दिया जा रहा है, मतलब उनके साथ तरह का जुल्म हो रहा है, लेकिन हमें बेचारे नहीं लग रहे क्योंकि हमें पता चल गया कि वो एक्चुअली बेचारे नहीं है। या इसी तरह जिस तरह ये जो रोशनी के साथ लड़का था, मतलब अब वो हमें बुरा, मतलब वो बुरा ही उसने किया है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा हमारे लिए पास एक सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप हो रहा है उसके लिए हल्का सा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये स्टोरी की ही एक अच्छाई है, खूबसूरती है कि उसके साथ बहुत डिफरेंट तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि जनरली हम नहीं करते। विलन होता है तो विलन होता है, हीरो होता है तो हीरो होता है, लेकिन असल में इन्होंने यही दिखाया है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूं कि स्पेशली इन्होंने ना रीजनिंग जो दिखाई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ताई जो आज थी वो क्यों है, इसी तरह वो लड़का जो है वो क्यों है, इसी तरह हर बंदे की जब बैक एंड पे स्टोरी नजर आती है तो फिर आपको समझ आ जाती है कि वो सिचुएशन में क्यों है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूं। नहीं, ये बहुत इसका जो प्लस है मुश्क का ना, वो यही है कि ये बहुत प्यारे तरीके से असल में लिखा भी गया है और
डायरेक्ट भी किया गया है कि बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप हर जरा भी आप लूज नहीं करते अपना इंटरेस्ट और बोर नहीं होते, और कहीं पर आपको जैसे अब गुड्डी का कैरेक्टर है तो आपको हंसाता भी है, ये नहीं कि अब आपको रुला ही रहे हैं, और वो भी डीप, बहुत डीप बातें कर जाते हैं बातों बातों में, हंसी मजाक में, तो वो भी जैसा उन्होंने इन्होंने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा था अबाउट कंसेंट एंड नॉन कंसेंट, और वो जो गुड्डी जो डॉक्टर साहब थे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और उन्होंने जस्ट लाइट हार्ट तरीके से बात की तो वो बहुत अच्छे तरीके से थी कि एक आपने एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी दे दिया और ओवरऑल इट वाज अ फनी एंगल भी था और उसमें आपको समझ आ रही थी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। आई थिंक बहुत उन्होंने सेंसिटिव टॉपिक को डिसेंसी के साथ टच किया। दूसरा आई थिंक मेजर डेवलपमेंट जो हमें इस एपिसोड में हुई है वो गुड्डी ने फाइनली जब वो कॉल करती है आदम को तो काइंड ऑफ इजहार कर भी दिया कि शी फील्स आदम के बारे में, और वो मतलब बार बार शी ट्राइज टू कीप इन टच विद हिम, एंड वो नजर भी आता है कि जब वो थोड़ी सी अफसुरदा होती है और कहती है कि आज बड़े अरसे बाद में इतनी इमोशनल हुई हूं, तो वो नजर आ रहा है कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर गया है ना। आई थिंक दैट वाज आल्सो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस केस में थोड़ा सा पता चला है कि गुड्डी भी कोई इमोशनल टाइप उसमें उसका है, कोई एंगल है, उनका भी दिल है, तो उनका भी दिल है, और मुझे लगा हल्की से कोई उनकी आंखों में हल्की सी मुझे लग रहा था जैसे कोई आंसू भी आ रहे हो। हाँ, मुझे भी तो वो बड़ा प्यारा सीन था, प्यारा, बहुत प्यारा सीन था, और एक्टिंग भी दोनों की बहुत जबरदस्त थी, और वो एंड मेरा ख्याल इसी पे हुआ है तो वो काफी जबरदस्त एंड। गुड्डी ने गुड्डी के आई थिंक इस एपिसोड में काफी, हालांकि वो उनकी थोड़ा सा ड्यूरेशन थी, स्क्रीन प्रेजेंस थी, लेकिन उनकी जो डायलॉग्स थे काफी पावरफुल थे और काफी मीनिंगफुल थे। आई थिंक इवन आदम का जो हमने कहा था कि इंसानियत उनका पेशा है, इंसानियत की खिदमत उनका पेशा है, तो वो पेशा निभा रहे हैं, और ऐसा ऐसा आई थिंक अगले एपिसोड की जो हमने ट्रेलर्स देखे तो वो काफी हद तक आगे पहुंच भी जाएंगे। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था हीरा, जो कवि खान को ने सुन ली थी बात इस लड़के की, तो वो हम अगेन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि ठीक है उसने ये बताएगा कि वो शहर चले गए, मगर वो जो ट्विस्ट उन्होंने दिखाया कि उसने उस बंदे की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी जिस आंटी के पास वो रोशनी को छोड़ आया, सो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक दैट विल लीड आदम अच्छा रोशनी की एक्टिंग उस हवाले से मुझे इतनी अच्छी लगती है कि उनके ऊपर वाकई वो मासूम लड़की लगती है, और वो प्यारी प्यार आता भी है कि क्यूट सी छोटी सी बेचारी के साथ क्या हो रहा है, मतलब आप उसकी असल में वो बहुत सिंसियर है इन व्हाटएवर शी इज, जो भी वो है वो सिंसियरिटी के साथ, वो बहुत सिंसियर थी इस बंदे के साथ, मतलब वो मुझे इतना बेचारी थी, पता नहीं आपको लगा कि नहीं लगा, लेकिन लड़का भी थोड़ा दुखी था, उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगी जो उसने काम किया है। जी जी जी, मुझे लग रहा है क्योंकि वो जब अपनी बाजी के पास आता है और आके जब बात करते हैं एंड में कहते हैं कि आपको लगता है मैंने गलत किया, तो वो मेरा ख्याल है कि उसके जहन में ये बात आई है कि उससे गलती हुई है, शायद उसने गलत किया। Exactly. तो और वो काफी अच्छा हो गया। हाँ, और मुझे वो काफी डेवलपमेंट्स हुए, आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट होगी। सॉरी आप कुछ कह रहे थे। मैं एक चीज, सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगी कि वो जब रोशनी जब उस लड़के को कह रही होती है ना कि तुम मत जाओ, इतना डर मुझे तब नहीं लगा था जब मैं उस घर से भाग रही थी जितना मुझे इस टाइम लग रहा है कि तुम जा रहे हो, मुझे वहां पे भी ना उस बेचारी के लिए बहुत मैं फील कर रही थी कि उसके किसी बेचारी की हालत खराब हो रही है, तो वो मतलब वो दिखाया को देख के मेरा खाला उसकी भी वही फीलिंग थी जो हम सब की थी कि ये शायद ठीक औरत नहीं है, क्योंकि वो रोशनी खाला को देख के वो भी कोई रोशनी को इतनी उसने खुशी से नहीं उनसे मिली थी, मुझे लगता है शुरू में भी सामने लग रहा था कि ये खातून सही नहीं है। बट एनीवेज आई थिंक टू एंड दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रिव्यू ऑन फर्स्ट ड्रामा, Yeah, I think it was a very interesting episode and we are really looking forward to next episode mein kya hoga, kyunki jo promo hai usse to lag raha hai ki next episode kafi major mazey ki hogi, ji ji hai na, kafi mazey ki hogi, so let's hope ki Aadam ko Roshni mil jaye aur usko udhar se nikal le aur Allah kare koi behtri aaye, is episode mein hardly mehak baji ke scenes the, so I think ye bada highlight of the episode as well. So now let's just move to the second drama that we discuss weekly is Prem Gali. I think fantastic episode, yet another fantastic episode of Maste. और बहुत मजे का था, बल्कि हल्ला गुल्ला वाली एपिसोड थी, because finally दोनों की फैमिलीज मान गई हैं, और somehow जो मैंने predict किया था, I think काफी related ही था हीरा जो solution उन्होंने निकाला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं काफी हद तक। हाँ जी, वो असल में उन्होंने ये दिखाया है कि सब जो अल्टीमेटली वो ये बात प्रूव करना चाह रहे हैं कि इट्स ऑल इन द माइंड, कि उनको दोनों की मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, एक की ये एक का प्रॉब्लम ये था कि वो दूसरे घर कि उनका घर में नहुसत है, और एक का ये था कि नहीं जी इनके जो इनके घर की औरतें ऐसी हैं, तो दोनों अगर दोनों के चेक्स में रहेंगे तो सब ठीक रहेगा।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर ये भी हो जाएगा कि उनकी खुदारी भी कायम रहेगी, बिकॉज वो बेसिकली एक जगह जाके अगर रेंट दे रहे हैं तो अगर वो इनके जो कहते हैं तलाक मंजिल जाए अगर उनमें उधर रहना शुरू कर देंगे तो इन्हीं को पैसे दे रहे होंगे रेंट। सो बेसिकली बात वही है लेकिन माइंड की गेम है कि वो समझें कि असल में तो वो घर भी वही है और वो साथ भी रह रही है और नहीं भी रह रही, तो वो कॉन्सेप्ट उनका हो जाएगा। तो काफी प्यारे तरीके से उन्हें दिखाया गया एंड इट वाज अ वेरी हैप्पी एपिसोड आई मस्ट से कि हैप्पी गोइंग एपिसोड, बहुत मजे मजे के थे बिल्कुल। जो वसीम अब्बास के भी इसमें बहुत मजे के सीन्स थे, जब वो जो सबा परवेज के साथ भी जब वो दुकान पे भी उनके सीन हो रहे होते हैं, जब वो उनको पूरा वो दे देती हैं बिल भी पकड़ा देती हैं, मतलब ऑल्दो बहुत मजे के सीन्स थे लेकिन ये भी मुझे बहुत मजे का लगा था उनके इंटरेक्शन। थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं कि साइन ऑफ से असल में एपिसोड में ये हुआ है कि फाइनली उनकी जो मोहल्ले वालों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, उन्होंने एक सोल्यूशन दे दिया है कि ना ये उनके घर जाए ना वो ना वो घर दमाद बने, राधर हम ये कर लें कि एक ही घर में जो ऊपर वाली मंजिल है वो लड़के वाले रेंट आउट कर लें। सो दोनों की बात जो है ना वो पूरी हो जाएगी और इस तरह वो एक दूसरे के नजर में भी रहेंगे और दे कैन बी वन हैप्पी फैमिली। सो दोनों जो है वो जो तलाक याफ्ता वाला जो तलाक मंजिल है वो लोग भी खुश हो गए और दूसरी तरह लड़के वाले भी इधर ओके विद इट। शुरू में थोड़ा से वसीम अब्बास को इश्यूज होते हैं मगर ग्रेजुअली अंडरस्टैंड्स कि चलो सब खुश हैं इसमें, हम मतलब किसी की खुदारी भी नहीं जा रही, ऐसा भी नहीं है कि वो उनके घर फ्री में रह रहे हैं क्या। सो इस पिछले एपिसोड के एंड पे जैसा हमने देखा था कि जोया और हमजा ने एक दूसरे को फाइनल अल्लाह हाफिज कह दिया था and they thought that there was no way out of it, मगर जब वो घर आते हैं अपने इस एपिसोड में तो दोनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी का सामना करना पड़ता है। तो वो जो रिएक्शंस थे वो बहुत प्यारे थे, चाहे वो हमजा हो जब उसके उसके दादाजी उसको बताते हैं और जिस तरह वो रिएक्ट करता है, आई थिंक फैंटास्टिक एक्टिंग बाय फरहान से, बहुत प्यारा एक्सप्रेशन उन्होंने दिए और जो उनकी टाइमिंग्स है वो इतनी परफेक्ट थी कि ये भी नहीं था कि एकदम से उनको नाचने शुरू हो गए, ही टुक सम टाइम टू रियलाइज कि ये सच हो गया यू नो। वो बड़ा प्यारा ट्रांजिशन था, मुझे वो बहुत प्यारा सीन लगा। और फिर जैसा दादाजी जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे ढोल अपने वो जो नीचे वालों का बच्चा जो है उससे ढोल बिठवा रहे थे, वो बहुत क्यूट था। और दूसरी तरफ सेम फॉर जोया उसकी भी जैसा खाला उसको बताती है और खाला का कैरेक्टर इस वाली एपिसोड में बड़ा प्यारा लगा मुझे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी लाइफ की तरफ आ रही है रोने के अलावा भी। हाँ। वो भी बड़ा प्यारा था जिस तरह वो बताती है, वो कितनी क्यूट सी बात थी कि वो 100 नफल मांग लिए उनकी नानी ने। हाँ। और जिस तरह हर एक का अपना अंदाज और सेलिब्रेशन था ना, तो वो क्यूट बात थी। एक तो खाला का मुझे बहुत मजा आया उनको डिफरेंट देख के, जरा कि वो थोड़ा बातें भी की उन्होंने, कुछ हंस के भी की, थोड़े प्यार मोहब्बत से जोया के साथ उन्होंने, बहुत क्यूट मुझे उनके सीन्स लगे। जब वो जोया ने शॉपिंग पे जाना है तो वो नानी के साथ बहुत नाराजगी के साथ जा रही है, नानी उसकी बात नहीं मान रही है, और उसके बाद जब खाला के साथ गई है तो खाला उसको कहती है कि नहीं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, जो कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो गई, लेकिन वहाँ पे मुझे खाला और उसका जोया का सीन बहुत प्यारा लगा था। और इसके अलावा चाचू ने मिसअंडरस्टैंडिंग, चाचू ने मिसअंडरस्टैंडिंग, जी जी वही मेरा मतलब है कि वो चाचू ने सुन लिया और वो चाचू ने फिर एक मसला डाल दिया, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा था कि अब ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि हर थोड़ी देर बाद इनका मसला चल जाता है, लेकिन फिर जो सेकंड पार्ट ऑफ द एपिसोड बहुत अच्छा कर दिया कि वो मुझे फिर बहुत मजा आया। अल्टीमेटली मुझे मुर्शिद वाले सीन्स थे वो भी फनी था, मुर्शिद जो दिखाया है ना कि जी जी बिल्कुल, जो हमजा के वालिद जो है वो मुर्शिद पे बिलीव करते हैं बिल्कुल, और उन्होंने वही एक सोसाइटी का इशू दिखाया है कि पैसे के लिए पीर फकीर, मतलब हम लोग उनके ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं और वो जबकि हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया कि फरहान ने उसको कितना कैश कर लिया अपनी फेवर में, वो बहुत मज़ेदार था, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने उसको बहुत इंजॉय किया। और एक चीज़ और सॉरी मैं मध्य कहना चाहूँगी कि इसमें एक और हमने जो डिफरेंट चीज़ देखी है वो थी सबा हमीद की तैयारी, जब वो ढोलकी बज रही होती तो आपने नोट किया कि उन्होंने झुमके भी पहने होते हैं और कपड़े भी चेंज होते हैं, वो बहुत ही मुझे मज़े का लगा था कि वो। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, और आप प्लीज ऐड करें, मुझे सीन भी बहुत इमोशनल था जो ओवरऑल उन्होंने मुझे गाना गाती है ना नानी कितनी प्यार से गाती है, ओवरऑल सबके अगर इमोशंस थे वो बहुत प्यारे थे, इवन जोया ने उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग पावरफुल एक्टिंग थी, और इवन उनकी फ्रेंड की जो अनुषा अब्बासी है उन्होंने बहुत प्यारी एक्टिंग की। सोसाइटी का गेन बहुत मेजर इशू दिखाया कि कुछ लोग जो पीर फकीरी पे यकीन करते हैं और कैसे लोग उनको असल में पैसे बटोर रहे होते हैं, तो उन्होंने ये बड़ा अगेन फनी तरीके से अगेन इम्पोर्टेंट इशू पे नजर मतलब हाईलाइट किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि यू नो अल्लाह ताला ही है जो आपका फेट डिसाइड करते हैं, कोई पीर मुरीद या कोई
फिर नहीं आपको बता सकता कि आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा. तो उन्होंने बड़ा मजे तरीके से आई रियली एंजॉयड द वे दे हैव शोड दिस. हालांकि पीर थोड़ा सा फेक उसकी दाढ़ी थी लेकिन आई एंजॉयड दोस सीन्स एंड मजा आया. और ओवरऑल मुझे वो हमजा की जो ओवरऑल एक्सप्रेशंस थे थ्रू आउट द एपिसोड वो फैंटास्टिक बहुत मजे के थे. इसमें तो मैंने हमजा को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया. और मुझे हमजा की इंटेलिजेंस भी आप चेक करें जी, सॉरी जो हमजा की इंटेलिजेंस मैंने कहा आप चेक करें कि जिस तरह उन्होंने वो चाचू के इशू को हैंडल किया है और पीर के थ्रू और पैसे देके जो एक वो मस्ता भी अपने सॉल्व करवा लिया, वो भी मुझे बहुत मजे का लगा क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि अब ये कैसे चाचू को साइड पे करके शादी की तैयारियां मतलब कैसे करेंगे शादी, तो वो मुझे काफी मजे का. बहुत सही आप कह रही हैं, वो बहुत हमजा तो वैसे ही दिखाया हुआ है कि हर चीज का मसला ढूंढ लेता है, हर चीज का जुगाड़ निकाल लेता है बेसिकली. लेकिन एक और चीज मुझे आई थिंक वो आपका भी शायद वो फेवरेट होना हो, लेकिन मेरे लिए बेस्ट सीन ऑफ द एंटायर एपिसोड वर जो विदाउट डायलॉग सीन थे बिटवीन जोया एंड हमजा जब वो छत पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बहुत ही केमिस्ट्री है. उन्होंने दिखाया है कि हाउ जेन्युइन दे वर इन देयर फीलिंग्स और वो कैसे उसे आपस में इशारों की लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो बहुत मुझे इंटायर सीन बहुत प्यारा सीन कि जब वो जोया एक्ट आउट कर रही होती है बेसिकली हमजा को और पीछे से डायलॉग भी वो दिखाते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने दिखाया. और ओवरऑल जिस तरह उनकी ढोलकियां रखी गई लड़के वाले की तरफ से भी, जो दादा जी कितने खुश हैं, उनका फादर कितने खुश हैं, बहुत मजे का डांस भी कर रहे थे, डांस भी बहुत प्यारा था. मतलब दादा की खुशी दिखाई है तो नजर भी आती है इन्हें. जी बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा वो भी बहुत क्यूट था जो हमजा शिकवा भी करता है लड़के होते हैं मोहल्ले के और सारा मोहल्ला नाराज लड़के. और एक और आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आया और बहुत अच्छी एपिसोड. और अगली एपिसोड दोबारा से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. आपने उसमें चेक किया है जावेद शेख की एंट्री हो रही है, तो वो फादर है ना जो जोया के फादर है. ओके मुझे वो दिखाया था ना एक्चुअली फादर की जो पुरानी वो पता है आपको कि वो जब जोया के फादर दिखाए थे वो तो एक्चुअली वो थे जो इनके बेटे हैं जावेद शेख के. मुझे लगता है कि उनके जो बेटे का क्या नाम है जावेद शेख थी जो शहजाद शेख थे जब. अच्छा जो पुराना जावेद शेख ही थे. अच्छा तो जावेद शेख ही है पता नहीं मैं शायद देख मुझे शुरू से जावेद शेख ही है माइंड में और मेरे जेन में वो शहजाद शेख ही हैं. चले मैं जरा रिवाइंड रीचेक कर लेंगे बिल्कुल रीचेक कर लीजिए. लेकिन वो जहां तक मुझे मालूम है वो जोया के फादर हैं अभी जो जावेद शेख है. नहीं ये हो सकता है अगर मैं कह रही हूँ अगर मुझे लग रहा है कि वो शहजाद शेख थे तो भी हो सकता है कि उन्होंने उनका वो दिखाया वो नेक्स्ट वर्जन यंगर ओल्ड वर्जन दिखाया. यंगर ओल्ड वर्जन ऐसा होता तो फिर वो सबा हमीद को भी दिखाते इस तरह दिखाते कुछ ऐसा. हाँ एग्जैक्टली हो सकता है मैंने गलती हो रही हूँ मुझे मैं चेक करूंगी सब मुझे. अच्छा एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर आई थिंक जावेद शेख थे ही पहले तब थी शायद मैं गलत सोच रही हूँ. लेकिन समहाउ आई थिंक जो मुझे लग रहा है कि जोया के फादर आ जाएंगे ये ना वो नया फड्डा डाल दे. लेकिन आई थिंक शादी हो जाएगी तो होते अब हो ही जानी चाहिए. अब मैं हो ही जानी चाहिए काफी हो गया पता है कितना. लेकिन आई थिंक विद एवरी एपिसोड और मजा आ रहा है इसको देखने में. मजा आ रहा है जो गाना मैं बार बार ये कहूंगी कि गाना फरहान सईद ने कमाल कर दिया जो उसका ओएसडी है ना उसके साथ चीजें और मजे की लगती हैं. और ये अब थोड़ी फन और फन ओरिएंटेड एपिसोड्स आ रहे हैं क्योंकि शादी मेहंदी हंगामे जो होते हैं तो वो मजे का लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. और वो भी वैसे क्यूट था सीन. सॉरी हम बात रैप कर रहे थे लेकिन एक और सीन अच्छा था कि जिसमें वो अपनी जो होती है ना सबा शीरी जो होती है वो राहत पे जो नानी है उनको कहती है मेरे पैकेज जला दिया आजकल कार्ड कौन बनाता है इसमें इतनी कॉस्ट. और वो नानी के जीवन भी चाह रहे थे कि वो 15,000 में शॉपिंग कर रही थी और 1.5 लाख इवन वसीम अब्बास और शीरिन का जो इंटरेक्शन दुकान पे कर रहे होते दोनों ही पैसे खर्चते हुए दोनों की जान जाती है वो भी बड़ा मजे के दोनों हिसाब के बड़े पक्के होते हैं. हिसाब के बड़े पक्के हैं तो काफी मजे के थे. बट आई थिंक दिस इज वन ड्रामा एंड थॉरली एंजॉयिंग कि आपको रिफ्रेशिंग फील आती है. ये नहीं होता कि ड्रामा देखने के बाद डिप्रेशन हो जाए. आजकल मेजॉरिटी ड्रामाज में तो कभी कभार ऐसे डिप्रेसिव भी हो जाते हैं कि आपको नो अच्छी फीलिंग नहीं आती मगर इस ड्रामा को देखने के बाद हमेशा आप खुशी होते हैं. सो इसलिए आई रियली एंजॉय दिस ड्रामा इन पर्टिकुलर आई थिंक दिस इज बेस्ट. अभी देखते हैं कि नए नए ड्रामाज एक दो शुरू हुए हैं. हीरा आपने कोई देखना शुरू किया? मैंने करार की पहली एपिसोड देखी थी बट मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया उसने. जी नहीं मैंने कोई भी नहीं देखा. मुझे किसी का ट्रेलर भी इतना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा. हां एग्जैक्टली दैट्स सो ट्रू. सो लेट्स सी कि हम नया कौन सा ड्रामा शुरू करेंगे. हीरा और मैं म्यूचुअली डिसाइड करेंगे एंड वी लेट आवर ऑडियंस नो. सो थैंक यू सो मच हीरा. थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इनसाइट. आई थिंक फैंटास्टिक बोथ एपिसोड्स. मजा आया. नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द 14th एपिसोड ऑफ बोथ ड्रामास.
आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।